हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटेक्टर आइडेंटिफिकेशन एंड कनेक्शन। तो आज हम सब देखेंगे कि एक मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर, एक हिट डिटेक्टर, एक स्मोक डिटेक्टर को कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, एक बार देख के हम कैसे उसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का डिटेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे मोरले हनीवेल जो डिटेक्टर्स होता है, मोरले हनीवेल डिटेक्टर्स के कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसका जो एड्रेस पुट किया जाता है, कितने नंबर डिटेक्टर्स का जो एड्रेस पुट किया जाता है, ये कैसे किया जाता है। तो चलिए, मैं राजीव और आज पे इन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हमने एक SLC यानी सिंगल लूप सर्किट बना के रखा हुआ है जो पैनल के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर हमने मल्टी टाइप ऑफ डिटेक्टर्स यूज़ किया है, जैसे मल्टी क्राइटेरिया हीट है, स्मोक है, तो सारे बहुत टाइप के डिटेक्टर्स हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो डिटेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये ऑल टाइप ऑफ डिटेक्टर्स है और हर सर डिटेक्टर्स के साथ एक इनपुट लाइन होता है और एक आउटपुट लाइन होता है, जैसे मैंने पहले बताया था एक वीडियो में, ठीक है। तो ये है हमारे मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर। आप इसमें देख सकते हैं कि एक स्मोक चेंबर भी है और एक हीट चेंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर, जो हमारे स्मोक सेंस में काम आते हैं और हीट को भी सेंस करने में काम आते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर है। और यहाँ पर है हमारा सिर्फ स्मोक डिटेक्टर, ये सिर्फ स्मोक को सेंस कर सकता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि एक जाली लगा हुआ होता है, ताकि इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जा सकते। ये ऑप्टिकल है, कोई भी कीड़े मकोड़े इसके अंदर चला जाएगा तो ये फॉल्स अलार्म देना शुरू कर देगा। और ये होता है हमारे हीट डिटेक्टर, ठीक है। ये सिंपल एक हीट डिटेक्टर है जिसमें एक हीट सेंसर हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये एक हीट डिटेक्टर है। तीनों डिटेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग एक एक करके अलग अलग सा होता है। सो यहाँ पर आप एक सिंगल लूप सर्किट यानी SLC आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि हर एक डिटेक्टर के एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो हर एक डिटेक्टर पे एक इनपुट आया है और उसके बाजू से एक आउटपुट निकला है, ठीक है। जो आखिरी डिटेक्टर होता है, वो आखिरी डिटेक्टर का जो आउट होता है, वो सीधे जाके पैनल के साथ कनेक्टेड हो जाता है। और जो पहले डिटेक्टर की जो इनपुट होता है, वो पहले डिटेक्टर की इनपुट पैनल से ही निकलता है। तो ये एड्रेसेबल सिस्टम है, लूप रिटर्न होकर पैनल पर ही जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक डिटेक्टर के एक एक करके इनपुट होता है और एक एक करके आउटपुट होता है, ठीक है। तो चलिए, इस डिटेक्टर में कैसे एड्रेस को पुट किया जाता है वो हम देख लेते हैं और कनेक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो नॉब है, एक नॉब होता है ×10 और एक नॉब होता है ×1। जो 10 वाले नॉब होते हैं ×10, वो होता है पहला नॉब, और जो सेकेंड नॉब होता है वो होता है ×1 वाले, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर 1 से 15 नंबर तक नंबर से, ठीक है, जो 10 है और जो 1 है उसमें 9 है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 0 से 159 तक, ठीक है, 1 से 159 तक ये डिवाइस एक साथ एक डिवाइस किया जाता है, ठीक है। और ये जो डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर के आखिरी नंबर हो सकता है 159, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये पर 1 पे कनेक्टेड किया हुआ है और ये 0 पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी इस डिटेक्टर को जो नंबर है वो नंबर है 10। तो चलिए हम इस डिटेक्टर के नंबर को चेंज करते हैं और डिटेक्टर के नंबर को पुट करके देख लेते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी ये जो ×10 वाले घर है, इसको हम क्या करते हैं, 0 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। अभी उसके बाजू वाले जो 1 वाले घर है, उसको हम क्या कर देते हैं, सेट 5 पे। अब क्या होता है कि पहले 0 और नेक्स्ट में 5, तो मतलब 0 और 5 क्या हुआ, ये 5 नंबर वाले डिटेक्टर हो गए, ठीक है। इस डिटेक्टर के नंबर क्या हुआ, 5। अब हम क्या करते हैं, 10th वाले घर को 5 पे दे देते हैं, और जो 1 वाले घर है, मतलब ×1 वाले घर है, उसको हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि 5 और 0, 5 के बगल में 0 आ गया, तो ये हो गया क्या, 50 नंबर्स वाले डिटेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से इस डिटेक्टर को एड्रेस किया जाता है, एड्रेस पुट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। अभी यहाँ पर देख सकती है 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 4 टर्मिनल में आप यहाँ पर देख सकती है 5 नंबर वाले जो टर्मिनल है ये सील्ड है, सॉरी 5 नंबर वाली सॉरी 4th नंबर 4 वाला जो टर्मिनल है वह सील्ड का टर्मिनल होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 जिसमें प्लस साइन दिया हुआ है, वो होता है क्या, वो रेड वायर, जो प्लस साइन दिया हुआ है वो होता है पॉजिटिव वायर। दोनों पॉजिटिव वायर एक साथ आता है, मतलब एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव वायर है -1, वो नेगेटिव होता है, मतलब एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। और अगले जो और एक नॉब है, जो और एक टर्मिनल है, वहाँ पर हम RI का कनेक्शन करते हैं, मतलब RI का एक कनेक्शन वहाँ पर करेंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव है उस वहाँ पर, और जो नेगेटिव जो पहले -1 है, ठीक है, उस पर हम RI का नेगेटिव कनेक्शन कर देंगे। तो इसी तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। सो डिटेक्टर की कनेक्शन और एड्रेस कैसे किया जा सकता है वो हमने देख लिया है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे एड्रेसेबल हूटर है, जो मोरले हनीवेल का एक एड्रेसेबल हूटर है। और ये मोरले हनीवेल के एड्रेसेबल हूटर का फ्लैशर है, जिनमें इन सारे में भी एक साथ ये एड्रेस दिया जा सकता है।
इसी सेम तरीके को यूज़ करके फायरलाइट और नोटिफायर में भी एड्रेस को पुट किया जा सकता है। फायरलाइट और नोटिफायर के डिटेक्टर्स में भी इसी सेम तरीके का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो रिलेटेड तो मेल पे या कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बाय बाय, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।